स्टूडेंट्स वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं प्रियांशु, आज मैं आपको हिस्ट्री के पहले चैप्टर में से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताना चाहूंगा जो कि 1804 से रिलेटेड है। सबसे ज्यादा ये आता है, ठीक है हमारे, क्या 1804 की नागरिक संहिता के बारे में बात करें तो नागरिक संहिता ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, पहले चैप्टर का। तो इसकी बात करें 1804 की नागरिक संहिता है क्या, तो आगे पढ़ते हैं फिर बताते हैं, ठीक है। इसे 1804 में लागू किया था। ये जो संहिता है हमारी नागरिक, नेपोलियन संहिता, ठीक है, जिसको नागरिक संहिता भी कहते हैं, ठीक है, अब इसको 1804 में लागू किया गया था। इसने जन पर आधारित जो विशेष अधिकार थे उनको समाप्त कर दिया, और साथ ही साथ उसने क्या किया, इसने न केवल न्याय के समक्ष समानता स्थापित की बल्कि संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित किया। उसने क्या किया, न्याय भी किया, समानता भी की, और साथ ही साथ क्या किया, उसने संपत्ति के आधार को भी सुरक्षित किया। इसको हम 1804 की संहिता को, यानी कि नेपोलियन संहिता को, हम नागरिक संहिता के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था, नागरिक संहिता, ठीक है। अब इसकी विशेषताओं की बात करें तो कहीं पे आ जाते हैं नेपोलियन संहिता की विशेषताओं की बात करें या 1804 की संहिता की विशेषताओं की बात करें या नागरिक संहिता की विशेषताओं की बात करें, तो घबराने की जरूरत नहीं है, सारे पॉइंट्स एक ही हैं, ठीक है। अब इनकी विशेषताओं की बात करें तो क्या, पहला विशेषता क्या बोल रहा है, जन्म पर आधारित, क्या, जन्म पर आधारित विशेष अधिकारों की समाप्ति कर दी गई थी, ठीक है, ये सबसे बड़ी विशेषता है उसकी। फिर उसके बाद क्या, प्रशासनिक विभाजनों को सरल बना दिया, जो प्रशासन के विभाजन हो रहे थे उनको सरल बना दिया, और क्या, सामंतीय व्यवस्था को समाप्त किया गया, जो सामंतीय व्यवस्था थी उनको खत्म कर दिया बिल्कुल ही, ठीक है। और क्या, चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है, कानून के सामने समानता एवं संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित किया गया, मतलब कानूनों की नजरों में, कानून की नजरों में क्या किया इन्होंने, जो समानता थी और संपत्ति का अधिकार था उसको सुरक्षित किया, ठीक है। और साथ ही साथ क्या, किसानों के भू दस्ताव और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति कर दी गई, उनको मुक्ति दे दी गई, जो भी वो शुल्क करते थे, मतलब जो भी शुल्क देते थे सरकार को या फिर किसी राजा को देते थे, ठीक है, उस पे क्या कर दिया, माफ कर दिया उन्होंने। बस इस वीडियो में हमें यही जानना था, ये पॉइंट तुम्हारा क्लियर है, अब कोई सा भी क्वेश्चन आए तुम आराम से कर सकते हो। थैंक यू। अच्छा।